अस्सलामु अलैकुम, मैं तहसील भेरा के पीपी 71 और एन 82 के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि हमारे जो हलके में उम्मीदवार हैं वो कौन कौन से हैं और किस पार्टी से उनका ताल्लुक है। तो पहले मैं आपको नून लीग के हवाले से बताता चलूं, तो उसमें से डॉक्टर मलक मुख्तार अहमद भरत जो कि एन 82 MNA पहले सबका MNA भी हैं, वो MPA भी रह चुके हैं। उसके बाद सुवेब अहमद भरत वो PP 71 में MPA पिछले सबका MPA भी थे, दोबारा उन्होंने नून लीग की तरफ से वो खड़े हैं। उसके बाद PP 72 से जो है यासर सिंधु वो पहले भी MPA रह चुके हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी से नदीम अफजल चन हैं, उसके बाद गुलरेज अफजल चन है और वसीम अफजल चन है, जिन्होंने PP 71 से भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और NA 82 से नदीम अफजल चन ने जमा करवाए हैं और PP 80 से भी उन्होंने कागजात जमा नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। उसके बाद तरीके इंसाफ के जो नईम हैदर पजुथा थे लीगल एडवाइज़र, उनके कागजात नामजदगी पहले मुस्तरद हुए थे, अब आज खबर आई है कि उनके वो मंजूर हो गए हैं। उसके बाद एक राना हमद हैं, उन्होंने भी करवाए हुए हैं। उसके बाद प्राचा ख़ानदान में से भी हरून असान प्राचा, हसन अनाम प्राचा और असद औलाक प्राचा, इन्होंने कागजात PP 71 से जमा करवाए हुए हैं। इसके अलावा पीर फारूक बावल उलहक शाह, उन्होंने अपने कागजात PP 71 और NA 82 से जमा करवाए हैं। जमात इस्लामी के हवाले से जो PP 71 है मलक अब्दुल मुनम अवान, NA 82 से ज़ुबैर अहमद गोंदल और PP 72 से मुबशर अहमद गुजर साहब जो हैं उन्होंने जमा करवाए हुए हैं। तो इसके अलावा मुस्लिम लीग जो है कदम, इसके अलावा तारीख़ लबैक के जो उम्मीदवार हैं उनमें से राना मोहम्मद हनीफ हैं PP 71 से, NA 82 से साकब हुसैन साहब हैं उन्होंने, और जो PP 72 है उसमें से चौधरी आसफ गुजर साहब हैं। तो इन्होंने कागजात नामजदगी तरीके लबैक की जानिब से जमा करवाए हैं। NA 82 से सजाद अहमद गोंदल, वो भी तरीके इंसाफ की तरफ से भी वो भी खड़े हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी हैं, और क्योंकि पीर फारूक वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो इंशाल्लाह देखते हैं कि ये इलेक्शन के हवाले से क्या, यहाँ तहसील भेरा में जो कम्पेन है उसका तो नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से आगाज़ हुआ हुआ है, वो अलग अलग अपनी जगह पर कॉर्निंग्स मीटिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इस, बल्कि यहाँ पर एक और बात करता चलूँ तो तरीके इंसाफ की जो बात है वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने कोई कॉर्नर मीटिंग की हो या कोई इस तरह के कोई मामलात किए हों, जलसा या जुलूस या कोई रैली, लेकिन पीपल्स पार्टी की हो जाए या नून लीग की, वो अपने जो मीटिंग्स हैं कॉर्नर वो भी कर रही हैं और अपनी इंतखाबी जो मुहिम है वो चलाई हुई है। तो इसी व्लॉग के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।